हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेडमी नोट 10 मोबाइल के हैंगिंग प्रॉब्लम के बारे में, जो इस मोबाइल में बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों, मेरा जो मोबाइल है रेडमी नोट 10, जिसे सिर्फ एक ही महीना हुआ है और इसमें हैंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके बाद मैंने इस मोबाइल में कुछ सेटिंग किया हूँ और उसके बाद से ये मोबाइल बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। तो दोस्तों, वो सेटिंग क्या है, कैसे मैंने हैंगिंग प्रॉब्लम ख़त्म किया हूँ, उस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, तो ही आपको मोबाइल ठीक हो पाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल वाले बेल आइकॉन पर दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद में आपको जो सिस्टम ऐप अपडेटर है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिस्टम लॉन्चर जो अपडेट दिखा रहा है, और जो ये अपडेट है बहुत ही ज़रूरी अपडेट है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है। इसमें जो अपना लॉन्चर की जो इश्यू है उसको फिक्स किया हुआ है, तो उसको ज़रूर अपडेट कर लेना। उसके बाद में MI अकाउंट जो है दिखा रहा है उसको भी आप अपडेट कर लेना, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, जो बग से कुछ उसको इसमें रिजॉल्व हो गया है। देखिए, सब अपडेट हो गया है। उसके बाद आपको स्टोरेज में आना है, स्टोरेज में आके जहाँ दिखा रहा है आपको, ठीक है, इसमें फ्री अप स्पेस जहाँ दिखा रहा है क्लिक, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। स्टोरेज में जो अनवांटेड जो फाइल होती है कैचे फाइल, उसको वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अभी क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्लीन हो गया है। इसके बाद में UMI जो वर्जन दिखा रहा है इसमें 4-5 बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग में आना है, आप यहाँ देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन जो है वो आ चुका है। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद में आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए एकदम लास्ट में आना है और आते रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो मैंने सर्कल में डाला, इसमें जो 1x पे इसको 5x पे सिलेक्ट कर लेना है, सभी को 5x पे सिलेक्ट कर लेना है क्या करके। इससे क्या होता है गाइस, देख सकते हैं आप, अब मेरा मोबाइल जो है एनिमेशन जो एकदम फास्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले जो है काफ़ी स्लो होता था 1x पे रहने के बावजूद, अब ये 5x पे रहेगा तो जो आपका मोमेंट जो है फास्ट हो जाएगा, उससे आपका एकदम मोबाइल एकदम स्मूथ चलने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कैसा भी चल रहा है एकदम बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद आपको सेटिंग सिक्योरिटी में आना है गाइस, सॉरी, सिक्योरिटी में आने के बाद में आपको इसको यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्टिमाइज़ दिखा रहा है, इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। और ये ऑप्टिमाइज़ जो है आप कभी भी एक दो दिन में आप करते जाइए, उससे जो आपके बहुत सारे इश्यू जो है रिजॉल्व होंगे, आपकी बैटरी भी ज़्यादा ये नहीं होगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम दिखाया, एक प्रॉब्लम मैं जो है फिक्स कर लेता हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है आरोग्य सेतु, जो मेरे पास एक ऐप है जो गवर्नमेंट का है, उसका दिखा रहा है इसमें प्रॉब्लम, तो उस ऐप को भी अभी यहाँ से उसके अनवांटेड जो कैचे फाइल है वो यहाँ से क्लीन हो जाएगी अभी। ठीक है, अब वो होने के बाद में आपको सेटिंग में ही मैनेज करके मैनेज ऐप्स में जाना है। जैसे मैनेज ऐप्स में जाएंगे, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च करना है सिस्टम। देखिए यहाँ पे सिस्टम UI, ये जो सिस्टम UI, इसमें कैचे फाइल को जो है क्लीन कर लेना है। उसके बाद में सिस्टम ये सिस्टम लॉन्चर, इसकी भी जो है कैचे को क्लियर कर लेना है, डेटा को क्लियर नहीं करना है, कैचे को क्लियर करना है। फिर उसके बाद जैसे आपका फेसबुक है उसकी भी कैचे को क्लियर कर लेना है, और जैसे इंस्टाग्राम भी है मेरे पास उसके भी कैचे, इन सबको आप जैसे आप कैचे को क्लियर करते हैं तो कभी कभी इनके भी जो फाइल होते हैं उसके वजह से मोबाइल हैंग हो जाता है, स्लो चलता है। उसके कारण जैसे आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब यूज़ करता था, तो इस सभी की जो है कैचे फाइल को क्लीन करना, जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे क्रोम ब्राउज़र भी है। ठीक है, इस सबको जैसे आप क्लीन कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल एकदम जो है पानी के साथ चलने लग जाएगा,
कोई भी एक भी कुछ भी ज़्यादा भी कोई इशू नहीं आ रहा है। और गाइस यकीन मानिए, मेरा मोबाइल पहले काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था, जब से मैंने ये सारी सेटिंग किया हो उसके बाद वे बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी डायलर ओपन कर रहा हूँ मैं तो, कॉल भी लगा रहा हूँ तो हैंग नहीं हो रहा है। जो पहले जैसे किसी को कॉल लगाते थे मोबाइल जो है हैंग हो जाता था, कुछ देर के बाद कभी कभी रिस्टार्ट करने के बाद ही वो ठीक होता था। देखिए अभी एकदम नॉर्मल चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, थोड़ा भी कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों ये सेटिंग ज़रूर आप एक बार अपने मोबाइल में कर लिए तो उसके बाद में आपको कोई भी इशू नहीं आएगी, यकीन मानिए, ये गारंटी है। ठीक है तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।